जी, तो आज बताइए आज आपका क्या था और क्या किए हैं आपने? आज हमारा डबल डेकर का क्लास था और हम डबल डेकर अच्छे से, और सीपीयू की क्लास थी जो देव सर ने हमको अच्छे से पूरे सीपीयू क्वालकॉम मीडिया टेक अच्छे से सीपीयू का एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज दिए। मैं डे वन से बात करूं आपकी, तो डे वन से आपने क्या क्या समझे आप? डे वन से हमारी कैपेसिटर और रजिस्टर ये सब कंपोनेंट की क्लास थी जिसमें से हमको सारा एकदम डे वन से पूरे क्लास अच्छे से एकदम समझ में आया। फर्स्ट दिन से ही आपको आई सी रिबोलिंग करना है ना, आई सी एम एम सी सी पी यू कैसे रिबोल करते हैं है ना, ये सारा चीज बताया गया। फिर आपने तीसरे दिन में पावर भी लगाया? अच्छा, तीसरे दिन में हमने पावर लगभग में 3 से 4 बार, चौथे दिन आपने सीपीयू भी डन किया लगभग। तो आपने चालू फोन से डन किए थे या बंद फोन से? हमने चालू फोन से स्मार्टफोन से सीपीयू डन किए थे। लोग तो खाली आई सी रिबोलिंग करने ही में 6 से 7 दिन लगाते हैं। नहीं, लेकिन एशिया टेलीकॉम में आइए, पहले दिन से ही आई सी रिबोल करिए और लगाइए। तीसरे दिन चौथे दिन में ही आपका पावर सीपीयू डन हो जाता है? यस सर, यहाँ पर आने के बाद चौथे दिन में एकदम कन्फर्म डन हो जाता है। जी जी, तो जो यहाँ पे जो ट्रिक्स बताई गई, जो सारा चीज़ पढ़ाया गया, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ पर, आइए एक्सपीरियंस जो कि मैं देव सर की क्लास की बात करूँ तो देव सर ने क्या पढ़ाया? देव सर ने हमको पूरा एकदम हार्डवेयर A to Z पढ़ाए। A to Z? ऐसा तो नहीं कि कोई PPD बना के ला लिए, बस PPD समझा दिए बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देव सर ने पूरा स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर एकदम पूरा A to Z पढ़ाए। खाली मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी का क्या टाइमिंग रहता था? थ्योरी का टाइमिंग लगभग में 8 से 9 घंटे था डेली, फिर भी 7-8 घंटे फिर भी थ्योरी हो जाता था। इसके बाद आप ऐसा तो नहीं कि रूम चले जाते थे, खाना खाए रूम चले गए, या क्या करते थे? हम इसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल लैब में जाते थे, उसमें प्रैक्टिकल लगभग में 7-8 घंटे करते थे। तो ये सही करते थे या ऐसे ही हवा हवाई से खाली? नहीं, यहाँ पर टाइम पास नहीं, यहाँ पर बैठ के पूरा काम किया जाता था, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे थ्योरी में दिया जाता था उसी चीज़ का आप प्रैक्टिकल करते थे ना? सर, जो चीज़ यहाँ पर थ्योरी दिया जाता था उसके बाद हम लोग शाम को प्रैक्टिकल करते थे पूरा कंटिन्यू। क्योंकि देखिए, आप को यहाँ तो पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा देगा, जब तक आप अपने हाथों से अपने खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे समझ में थोड़ी आएगा आपको। यहाँ पर थ्योरी के बाद हम लोग प्रैक्टिकल डेली करते थे और स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग पूरा करते थे हम लोग। मैं बात करूँ चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, ये तो बहुत बड़ा, लोग अभी तक ये सेक्शन में फंस जाते हैं, बना नहीं पाते हैं है ना। तो आपका क्या रहा कि आप अभी बना पाएंगे चार्जिंग से आता है या नेटवर्क? डेट डायग्नोस की बात करूँ मैं, हम यहाँ पे आइए एशिया टेलीकॉम में अच्छे से डेक डायग्नोस और चार्जिंग सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन जो भी है डेक सेक्शन एकदम इजीली तरीके से आप रिपेयर कर पाएंगे। नेटवर्क का क्लास कैसा रहा? नेटवर्क का क्लास देव सर ने जो पढ़ाया हमको बहुत अच्छा पढ़ाया, और 5G सर्किट के साथ वो पूरा जो जाल रहता है वो जाल समझ में आया एकदम पूरा, एकदम स्टेप बाय स्टेप हमें जाल समझ में आया। सॉफ्टवेयर का क्लास कैसा रहा? सॉफ्टवेयर का क्लास बहुत अच्छा था। सॉफ्टवेयर का अच्छा रहा कि भाई कैसा बोर्ड बनाया जाता है क्या? आप मुझे ये चीज़ बताइए कि क्या आप इससे पहले रिपेयरिंग का काम करते थे या इस लाइन में थे? इससे पहले तो हम रिपेयरिंग का काम वही नॉर्मली करते थे, सॉफ्टवेयर तो हमें एकदम नॉलेज नहीं था और न प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज था। सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं था, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये सारा चीज़ नॉलेज नहीं था, खाली आप छोटा मोटा करते थे जैसा कि CC रिपेयर, डिस्प्ले और CC चेंज किया करते। तो अभी आप करेंगे रिपेयरिंग? यहाँ पर हम एकदम करेंगे, यहाँ से जाने के बाद हमको नॉलेज हो गया है, हम करेंगे। और फिर आपकी EMMC की क्लास हुई मिलन सर के साथ, उनके साथ सफ़र कैसा रहा आपका? उनके साथ सफ़र हम लोग का बहुत अच्छा था, एकदम अच्छा था, और बहुत बेस्ट टीचर है, आइए एशिया टेलीकॉम में आराम से। अच्छा, आपका CPU मास्टर क्लास भी हुआ? हाँ, हमारा CPU मास्टर क्लास, उसमें उसमें हम ज्वाइन थे और हमारा CPU मास्टर क्लास भी हुआ। तो आपने किए भी क्या, बस ऐसे ही नाम बस है कि CPU मास्टर, लोग बोलते हैं कि भाई CPU मास्टर क्लास, CPU ऐसा होता भी है या क्या फिर नाम है? नहीं, ऐसा होता है, एशिया टेलीकॉम में ज्वाइन करें। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने जो बताया कि मुझे ये चीज़ सीखने के लिए मिला ये वो, तो यही चीज़ का आप अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में रहते तो मुझे बताइए इतना सब सीख पाते क्या? इतना सब सीख पाना मुश्किल है, यहाँ पर आने के बाद हमें अनुभव मिला कि अच्छे से हर एक चीज़ को सिखाया गया, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल कराया गया, हर पूरा स्टेप बाय स्टेप, पूरा टोटल स्टेप बाय स्टेप।
ऑल सेक्शन नहीं नहीं ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसमें कि हमको पूरा ए टू जेड ऑल सेक्शन को मतलब थ्योरी भी पढ़ाया गया और प्रैक्टिकल कंटिन्यू डेली का डेली किया गया। और ऐसे आपके पास नोट्स कैसे हैं? क्या कॉपी नोट्स हैं, ऑडियो नोट्स हैं या वीडियो नोट्स भी आपके पास? हमारे पास कॉपी नोट्स भी है, ऑडियो नोट्स भी है, वीडियो नोट्स भी है, जो कि हर इंस्टीट्यूट में वीडियो नोट्स मिलता नहीं है और सिर्फ आपको एशिया टेलीकॉम में ही मिलेगा। तो मैं बोलूं कि एशिया टेलीकॉम बोलते हैं कि भाई जो पैसा वसूल कोर्स है, तो सच में पैसा वसूल कोर्स है? हाँ, एशिया टेलीकॉम में एकदम पैसा वसूल कोर्स, फुल गारंटी के साथ। फुल गारंटी के साथ। अगर आपको कोई अभी लाइव में देख रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, आना चाहते हैं, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? जिसको भी एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना है, आइए एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करिए और पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ से सीख के ही जाएंगे। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? पैसा फेक रिव्यू तो नहीं दे रहे? नहीं, फेक रिव्यू नहीं दे रहा है। हम तो देखिए खुद से आए हैं और हमें यहाँ पर आने के बाद अनुभव भी मिला। तो आपको डुअल डेकर का अगर सबसे टफ वर्क है कि उसके आईसी का बॉल बनाना, सिलेंडर बनाना, वो ट्रिक कैसी लगी आपको? वो ट्रिक हमको एमडी सर ने इतने अच्छे से और मिलन सर ने इतने अच्छे से बताया कि हम उसको 10 से 15 मिनट में उस गड्ढे को भर के खाली हो जाएंगे। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि डुअल डेकर लगाने से पहले आपने रिम भी लगे, उसके पहले आपको मालूम है कि आपकी आईसी सही बनी है नहीं बनी? हाँ, हमें मालूम है आईसी सही बना है कि नहीं और परफेक्ट लग भी जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। एशिया टेलीकॉम। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?